वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के भारत के अगले अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के रूप में कार्यभार संभालने की संभावना है ये वर्तमान महान्यायवादी श्री के के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे मुकुल रोहतगी इससे पहले 2014 से 2017 के बीच चौदहवें महान्यायवादी के रूप में कार्य कर चुके हैं इसके बाद श्री के के वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में तीन साल के लिए रोहतगी के स्थान पर पंद्रहवें महान्यायवादी के तौर पर नियुक्त किया गया था इक्यानवे वर्षीय श्री के के वेणुगोपाल का कार्यकाल 2020 में पूर्ण हो चुका था किंतु सरकार ने उनके कार्यकाल को एक वर्ष और बढ़ा दिया जो अब 30 सितंबर को समाप्त होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद छिहत्तर के मुताबिक राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है यानी महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है साथ ही न्यायिक मामलों में भारत सरकार की पैरवी करता है